नमस्कार यू तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दर्शकों बचपन में हर बच्चे का सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का लेकिन जैसे जैसे युवावस्था आती है किसी चीज़ पर भी फोकस नहीं हो पाता और यहीं पर एक रास्ता कई रास्तों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है जिसमें कुछ युवा तो भटक जाते हैं लेकिन वहीं कुछ युवा लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं बड़ा दुख होता है जब हम सुनते हैं कि जो आजकल के युवा हैं वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कम उम्र में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम और आप करने की क्षमता भी नहीं रखते तो आज ऐसे ही होनहार युवा से आपको मिलवाएंगे जिनकी रग रग में कविताएं बसी हैं और अब ये कविताएं इनका पैशन ही नहीं एम्बिशन बन चुकी हैं तो मिलते हैं आज के नवोदित कवि यानी बडिंग पोएट आयुष दुबे से हेलो आयुष बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार मैम सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दूरदर्शन को और आपको भी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ आमंत्रित किया ये क्षण मेरे लिए ऐतिहासिक है मैं अपने जीवन काल में कभी इस क्षण को नहीं बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद ये आपकी प्रतिभा है आयुष जो यहाँ तक आपको खींच लाई और हम भी आ, आपका आभार प्रकट करेंगे कि आप जैसे नए नए कवियों से मिलने का हमें मौका मिलता है ये तो खाली एक मंच है लेकिन यही कहेंगे कि जो आपका टैलेंट है वो आपको यहाँ तक खींच लाया खैर सवाल जवाब का सिलसिला आपके साथ शुरू करें इतनी तारीफ हो चुकी है आपकी इतनी प्रशंसा हम कर चुके हैं तो इसके आगे हम सवाल जवाब करें कुछ पंक्तियाँ हो जाएं आपके कलम की देखिए मैम मैं अपना परिचय देते हुए ये पंक्तियाँ मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जिन्होंने आयुष के अंदर के कवि को जन्म दिया यानी मेरी हिंदी भाषा ये कविता हिंदी भाषा खुद कह रही है कुछ ऐसे लिखा था कि मैं संस्कृत का एक टूटा मन का हिंदी भाषा परिचय दूँ मैं तुलसीदास की कलम पर बैठा भाषाओं का अमृत हूँ मेरे रूप में खींची हर रेखा ने जगती का कल्याण किया मेरे ब्रह्म वेद की प्रखर ज्योति ने मानव जीवन को साकार किया मैं जानकी जितना पावन राजा राम जितना शीतल हूँ और शब्दों में इतनी ताकत मेरी कि परशुराम का फरसा मैं ही हूँ मेरे साहित्यकारों के कर कमलों ने कलम थाम रच डाला कल हिंदी उनकी सोच की ताकत हिंदी उनके कलम कबल मैं कैसे भुला दूँ वो गीतांजलि मैं कैसे भुला दूँ मधुशाला की छवि मैं कैसे भुला दूँ सुभद्रा की तलवार को मैं कैसे भुला दूँ वो पावन गोदान को मेरे हिंदी पुत्रों ने मेरा परचम जग में लहराया और इतना अटल हुआ साहित्य कि ठाकुर तक नोबल चल आया मैं पूरे विश्व की कल की आशा पूरे विश्व की महारत हूँ माउंट बटन की इंडिया नहीं महात्मा गांधी की सौरभ भारत हूँ भारत माँ के मस्तक पर वह कनक स्वरूपी है बिंदी गर्व करो ए देशवासियों हमारी मातृ जिवा है हिंदी जीवन का आनंद फूलों की सुगंध मेरे हिंदी में मिश्रित धरोहर अनंत क्या बात है बहुत खूब और बेहद खूबसूरती से आपने इस धरा का वर्णन कर दिया साथ ही जो आपने हिंदी को जो कि हमारी मातृभाषा है उसको आपने इतने सुंदर से शब्दों में डाला अच्छा आपकी उम्र जो है वो महज 18 वर्ष है और इतनी कम उम्र में इतने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल इतने भारी भरकम शब्दों को जो आप लेते आते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो कहाँ से आते हैं ये दिमाग में मैम कई बार कई शब्द जो होते हैं वो कहीं पढ़ा होता है कहीं लिखा होता है या कहीं देखा होता है और सबसे ज्यादा कई बार शब्दों को ढूंढना पड़ता है ऐसे कई शब्द हैं जिनके मूल शब्द से ज्यादा सुंदर उनके पर्यायवाची है जैसे जहाँ पर आँख शब्द सुंदर नहीं लगता वहाँ कई बार नयन अच्छा लगता है जहाँ पर नयन अच्छा नहीं लगता वहाँ कई बार लोचन अच्छा लगता है तो ऐसे पर्यायवाची शब्द और जो इसका इस्तेमाल करके हम कविता के निखार को बढ़ा सकते हैं तो ऐसे शब्द को खोजता हूँ और ऐसे कई सारे कवि हैं जिनकी कविताएं शब्द का भंडार हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी कविता इतनी ज़्यादा कठिन और इतनी ज़्यादा सुंदर रहती है कि जिसमें शब्द कई सारे मिल जाते हैं तो ऐसे पढ़ कर ढूंढ कर और खोज कर शब्द मिलते हैं तो आगे के लिए क्या सोचा है देखिए मैम सबसे पहले तो जिस भाषा की वजह से मैं जाना जाता हूँ और जिस धरा में मैं रह रहा हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हिंदी भाषा इनका नाम रोशन करना है और बस अंडमान निकोबार और हिंदी भाषा का नाम यहाँ तक रोशन करना है कि कई लोग अगर भारत का मानचित्र बनाएं तो अंडमान बनाना भूलें ना कई बार ऐसा होता है कि लोग अंडमान बनाना भूल जाते हैं तो अंडमान का नाम बहुत प्रचलित करना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत पावन भूमि है भारत की तो अंडमान का नाम रोशन करना है हिंदी भाषा का नाम रोशन करना है और जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करनी है मैंने चार लाइनें कुछ ऐसी लिखी थी कि मेरी कलम में है इतनी ताकत भरनी कि सच्चाई समाज के लिख पाऊँ और काबिल इतना बनना है मुझको जब मून जाए ये आँखें दो तब भी अपनी रचनाएँ सुन पाऊँ भले ही ज़िंदगी में कमाऊँ कुछ भी ना मैं भले ही खाली ये दो बाजू हों बस जब आए निधन की खबर मेरी तो लोगों की आंख में आंसू हो क्या बात है आयुष मतलब मत, कहने का मतलब है कि आपने इन चार लाइनों में ये ढाल दिया कि आप इसी मंच को अपने कैरियर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो अगर हम ये बात कहें आप आजकल के युवा हैं और जो आपके संगत में रहने वाले जो युवा हैं या आपके जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर एक युवा का सपना होता है नाम से ज़्यादा पैसे कमाना आ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर या कोई ना कोई फील्ड चुनता है और कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर भी होता है तो उन्हीं की संगत में रह कर आपने उस क्षेत्र को ना चुन करके कैसे इस मंच को अपने कैरियर के रूप में ले लिया Uh, देखिए मैम जो चीज़ मंच दे सकती है वो कभी प्रोफेशन नहीं दे सकता और जो प्रोफेशन दे सकती है वो कभी मंच नहीं दे सकता तो कहीं ना कहीं मैं भी uh, एक प्रोफेशन को लेकर चल रहा हूँ मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और साथ में मैंने मंच चुना uh, मंच ने मुझे नाम दिया मंच ने मुझे नई पहचान दी और मंच ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और यहाँ इस uh, सभागार में बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं मंच मैं मुझे अच्छा लगता था कि एक आदमी 400 की भीड़ में स्पॉटलाइट उसके ऊपर है और वो 400 की भीड़ को लीड कर रहा है और लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बहुत प्यारा फीलिंग आता था तो इसलिए मैंने मंच चुना और मैं कविताएं ऐसे ही लिखना शुरू किया था और कहीं धीरे धीरे मुझे कविता से प्यार हो गया और आज यहाँ बैठा हूँ अच्छा आ, पहली अभिव्यक्ति या हम कहें आ, पहली दिल की बात जब आप मंच पर गए जब आपने लिखना शुरू ही किया होगा और आपको किसी से कोई मतलब नहीं ना आपको मन से मतलब है ना आप ये सोच रहे हैं कि मैं आ, लिखूंगा तो मुझे तारीफ़ मिलेगी मुझे प्रशंसा मिलेगी आप किसी चीज़ के लिए नहीं गए तो वो जो पहली अभिव्यक्ति या जो भाव थे दिल के वो जो कागज़ पे उतरे वो कौन से थे मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कविता एक डायलॉग के रूप में लिखी थी एक आ, कुछ प्रोग्राम था हमारे कॉलेज में हमारे स्कूल में तो उसके लिए लिखा था मैंने कि मैं आया खुशियों को खोज कर हृदय को निचोड़ कर रूह को खरोच कर कलेजे को नोच कर आंसुओं को पोछ कर मैं ठहरा हूँ कुछ सोच कर मुझसे ठहरी रात करती बात देख रोती मेरा हाल चांद तारे होते घात कहते मुझसे एक बात छोड़ो ना उनका साथ कट जाएगी ये रात फिर वीर सा हौसला लेकर मैं चला मुसीबतों के कांटों में खुशियों का फूल खिला तो ये कविता मैंने एक डायलॉग के रूप में लिखी थी जो एक लड़का होता है वो एक कॉलेज जाता है उसको अच्छा नहीं लगता है फिर वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करता है तो मैंने इस पूरे लाइन को एक कविता का रूप दिया था जो कि बहुत अच्छी लगी थी लोगों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था उसे अच्छा बहुत सारे जो कवि होते हैं जो रे पोइट हो जाते हैं पॉपुलर हो जाते हैं और आगे चलकर काफ़ी बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं तो अगर ऐसा हुआ जैसे जो आपने अपना भविष्य बताया है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वैसे जो कवि होते हैं या जो शायर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा कर रखते हैं और एक नया नेम यानी कि एक नया एक पट नेम अपने आप को देने की कोशिश करते हैं तो क्या आपने ऐसा कुछ सोच रखा है कि अगर आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे आ, तो हम लोगों को आयुष के नाम से नहीं किसी और से नाम से कविताएं सुनने को ढूंढनी पड़ेंगी Uh, मैम मैंने सोचा तो था और मैंने सोचा था कि कभी इस काबिल बन जाऊं कि उसको रिवील करो लेकिन मुझे नहीं लगता इससे अच्छा अवसर मुझे और कुछ मिल सकता है तो मैंने एक शब्द कहीं पढ़ा था कनक जिसका अर्थ होता है uh, गोल्ड या सोना तो मैंने इस शब्द को चुना uh, इस uh, मैं सोचा था कि जब भी कभी उस काबिल बनूँ तो मैं कनक का इस्तेमाल करूँगा अपने पेन नेम को तो मैंने कनक चुना था मैम अच्छा कनक मीन्स सोना सोना आ, सोना यानी कि एक पावन चीज़ चीज, प्योरिटी है शुद्धता है उसमें इसलिए आपने कनक चुना हाँ कनक चुना और अगर यदि भविष्य में मौका मिला तो आप कनक नाम से जाना जाएंगे चलिए ये चीज़ आपने रिवील कर दिया आज अच्छा आ, कहा जाता है कि आ, कुछ लोगों को कविताएं जो है कविता लिखने का जो शौक है वो विरासत में मिलता है तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली या आपका जो रोल मॉडल है वो कौन रहा मैम इसे विरासत का नाम तो नहीं दूंगा विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आई चीज़ होती है मैं इसे एक वरदान एक गिफ्ट का नाम दूंगा जो कि किसी और से नहीं मुझे मेरे भैया से मिला है मेरे भैया भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे और मैं कही कहीं ना कहीं देखकर उन, उनसे इंस्पायर होता था और कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से अपने काम में वो बिजी हो गए और उन्होंने कलम कलम रख दी तो बस मैं उन्हीं की कलम की बची हुई शाही से अपने पन्नों पर जान भर रहा हूँ और ये जो मैं कहूँ ये जो खूबी है मेरे अंदर वो कही न कहीं ना कहीं भैया की वजह से आई है शुभम दुबे जिनका नाम है वो भी लिखते थे पहले बहुत तो ये तो परिवार के सदस्यों की बात जी. हो गई लेकिन जब आपने मंच साझा किया है जब आप बाहर निकले तब किन लोगों ने आपका साथ दिया बहुत लोगों का हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मैं एक रशीदा मैम जो है जो कि बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं जो माम माँ जैसा स्नेह देती हैं और बहुत प्यार करती हैं रशीदा मैम अभिजीत अग्रवाल सर जो भी जो कि कला केंद्र से जुड़े हैं और एक बहुत अच्छे कवि हैं अंडमान निकोबार दीप समूह के जगदीश नारायण राय सर वो भी बहुत सपोर्ट करते तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का हाथ है मेरे को मुझे आगे बढ़ाने में तो उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कहीं ना कहीं अच्छा अभी आपने जैसे बताया कि आपके भा भाई भी आ, लिखते आए हैं और अभी लिखते हैं लेकिन कही न कहीं ना कहीं व्यस्तता के चलते वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो क्या माना जाए कि आ, क्या उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आप कविताओं से जुड़े या फिर आपने ये समझा कि ये एक बेहतर माध्यम है अपने भावों को व्यक्त करने का Uh, मैम शुरुआत तो बस उन्हीं को देख कर हुई थी और कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर मैंने लिखना शुरू किया तो, गलत या फिर कैसे भी बुरी तरीके से भी लिखता था लेकिन लिखता तो उन्हीं के दबाव में आने के uh, कारण और धीरे धीरे सुधार लाया मैंने अपने आप में और जब लोगों की तारीफ मिलती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है और धीरे धीरे मुझे अपनी लिखावट और उस मंच से प्यार हो गया तो शुरुआत वहाँ से हुई थी अब मैं अपने पैशन के लिए फॉलो कर रहा हूँ कविता को या फिर कवि बनना चाहता हूँ तो किन किन चीज़ों पर लिखा है आपने uh, मैम बहुत सारी चीज़ों पर लिखा है मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूँ श्रृंगार रस की कविताएं लिखता हूँ करुण रस की कविताएं लिखता हूँ मैंने रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी और हाल ही में परमवीर चक्र अवार्डी मनोज कुमार पांडे पर जो कि कारगिल के हीरो हैं उनके पूरे जीवन काल को मैंने कविता का रूप दिया था भारत की संघर्ष की लड़ाई जो आज़ादी की लड़ाई है उसको कविता का रूप दिया है और ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर भी मैं कविता लिखता हूँ तो बड़ा अच्छा माध्यम है कविता शब्दों के माध्यम से बयाँ करना अपने फीलिंग्स को अपने भावना को तो बहुत अच्छा माध्यम में इन सारी चीज़ों पर लिखा है मैंने मतलब कहीं ना कहीं ये जो चार लाइनें हैं वो अपने भावों को व्यक्त कर देती हैं और आप, आप बड़ी सरलता से अपनी बात को कह जाते हैं अभी आपने सामाजिक मुद्दों की बात की तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं तो कभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये मुद्दा है आ, इसको लेकर मुझे लिखना ही है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं कि नहीं इससे मुझे हटना नहीं इससे लिख कर ही उठना है तो कुछ ऐसा कोई विषय आपको मिला uh, मैम पहले तो मैं बहुत छोटा हूँ उम्र मात्र 18 साल का हूँ मैं सामाजिक मुद्दे के बारे में उतना जानता नहीं हूँ लेकिन मैं आसपास जो देखता हूँ uh, मैं जब डाइट कॉलेज गया जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी तो वहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उतनी ज़्यादा मेरी भेंट नहीं हुई थी आज तक लड़कियों से तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये महीने के बहुत सारे दिन ये खुशनुमा रहती हैं और एक हफ्ते में इन्हें क्या हो जाता है अचानक ये काफ़ी ज़्यादा पेन में रहती हैं काफ़ी ज़्यादा इनका चेहरा उतरा रहता है तो मैंने पूछा मैंने जाना तो और ये ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर कोई जनरली बात भी नहीं करना चाहता तो मैंने सोचा कि कविता के माध्यम से इसके बारे में कुछ लिखा जाए तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा था कि महीने का ये कैसा दिन महीने का ये कैसा दिन मैं दर्द में जकड़ी रोती हूँ दिन के होते चौबीस घंटे मैं सोलह घंटे सोती हूँ खून से लथपथ होता तन में किसी से ना ये कहती हूँ कपड़े पर कपड़ा बदलती मैं अकेले ये सब सहती हूँ क्यों होता है ऐसा हमें क्यों अपवित्र मैं कहलाती हूँ जहाँ लाडली बिटिया कहलाती थी अब लड़की होने पर कतराती हूँ आज भी याद है मुझको वह दिन जब खून देख कर थी लड़के देख कर ना हंसे मुझको लिहाजा बैग से छुपा कर भागी थी मैं घर आई और रो पड़ी ऐसा मुझको क्या हो गया माँ क्यों शांत खड़े यूँ निहार रही हो जवाब तो इसका दो नामा लेकर आंसू माँ ने आँख में मुझको गले से लगाया था हंस गुजरना हर महीने से मेरी माँ ने यही सिखलाया था क्या बात है आयुष आपने आप भी आपने बताया कि आप महज 18 साल के हैं और आपको आ, सामाजिक मुद्दों की कहीं ना कहीं परख नहीं है लेकिन इतना बड़ा सामाजिक मुद्दा और आपने उसे चंद पंक्तियों में ढाल दिया वो भी इतनी सरलता से और खूबसूरती से क्या कहा जाए इसके लिए मतलब आपकी काबिलियत की वाकई में दाद देनी पड़ेगी खैर कविताओं की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि आ, ये आपने जैसे रोल मॉडल की बात की तो आपके भाई जी, लेकिन जी। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो वाकई में हमें इंस्पायर करते हैं लिखने पे मजबूर करते हैं तो कोई ऐसा आ, फेवरेट कवि आपके जहन में जी मैम मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ एक परफॉर्मर हैं बहुत अच्छे कवि हैं बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं मनोज मुंतशिर जो कि बहुत मनोज मुंतशिर जी, जी जी, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं वो उनका परफॉर्मिंग स्किल मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे वो स्टेज को कवर करते हैं जैसे वो अपनी बात को रखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ अभी फिलहाल तो मनोज मुतशिर बहुत अच्छे राइटर मुझे लगते हैं और जो रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह हैं इनकी कविताएं जी मैम मैंने उतना अभी पढ़ा नहीं इनके बारे में लेकिन मैं ज़रूर अभी क्योंकि एकेडमिक्स भी मेरे हैं मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे ज़रूर ज़िंदगी में समय मिलेगा तो मैं ज़रूर पढूंगा अटल बिहारी वाजपेयी भी, भी बहुत अच्छे कवि हैं मैं उनकी कविताएं पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो शब्द मिलते हैं वहाँ से और प्रेरणा मिलती है वहाँ से अच्छा कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों को आपने बयां किया मंच पर और जब घर में कोई लिखने वाला सदस्य होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है नहीं इस बच्चे की उम्र तो बहुत छोटा है या अठारह उन्नीस साल का है इसने नहीं लिखा होगा जैसे आपने बताया कि आपके भाई साहब लिखते हैं तो कभी तारीफ के बजाय लोगों से ये सुनने को मिला कि नहीं भाई ने लिख दिया होगा या इसने नहीं लिखा होगा ऐसा सुनने को मिलता है कभी मैम पहली बात बात तो ऐसी बात है वही लोग करते हैं जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहते और ये भी कहीं ना कहीं एक तारीफ ही है मेरे लिए कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा कैसे लिख सकता है तो कहीं ना कहीं इसको भी पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है और मैंने पॉजिटिव वे में ही लिया है और आज यहाँ पर हूँ इससे बड़ा जवाब तो कुछ नहीं हो सकता कहीं ना कहीं तो वो कविताएं मैंने ही लिखी थी और मैं ही लिखता हूँ अच्छा आपकी आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही मैम सबसे बड़ी उपलब्धि तो अगर आज कहा जाए तो यहाँ बैठा हूँ और उससे पहले मैं अंडमान के बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला जैसे चीफ सेक्रेटरी हो गए हमारे डीजीपी सर हो गए और माननीय सांसद साहब कुलदीप राय शर्मा जी के सामने मैंने परफॉर्म किया और जब मंच से उतरा तो बड़ा अच्छा लगा उन्होंने मेरा नंबर लिया और कहा कि अपनी कविताएँ भेजना मैं पढ़ूँगा तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धि है मैम डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं फर्स्ट आया था बेस्ट पोएट का अवार्ड मिला था मुझे युवा लेवल में तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए तो कहाँ कहाँ मंच साझा किया है आपने पोर्ट्लेर में मैम अंडमान के बहुत सारे मंच है जैसे गर्ल्स स्कूल का ऑडिटोरियम हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम बी एड कॉलेज का ऑडिटोरियम है और सेलुलर जेल में मैंने परफॉर्म किया है ऐसे बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े स्टेज है वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया है बस जिंदगी का एक मकसद है कि आई टी एफ ग्राउंड में आई टी एफ के मेले में एक बार परफॉर्म करना है मुझे बिल्कुल हमारी शुभकामनाएँ हैं वहाँ तक भी आप ज़रूर पहुँचेंगे अच्छा लोगों से आपको क्या मिलता है लोग जो आपको देखते हैं सुनते हैं उनसे कितना प्रोत्साहन मिलता है आपको मैम बहुत अच्छा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं लोग तालियाँ बजाते हैं मन से उतरते हुए और लोग कई बार मिलते हैं और कई बार तो ऐसे हुआ कि कई कई जो कवि कवि हैं जो बडिंग पोइट्स हैं वो मुझे अपनी कविताएँ भेजते हैं और कहते हैं कि अगर इसमें कुछ सुधार हो तो बताओ कैसे मैं सुधारूँ अपने आप को तो बस तारीफ़ मिलती है तालियां मिलती हैं और प्यार मिलता है लोगों का बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने और गर्व होता है मुझे कि मैं इस हिंदी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं अब दपती से चली जा रही है और हिंदी भाषा से जुड़ना लोगों का प्यार बटोरना आपस में मतलब वाकई में एक बड़ी अच्छी फीलिंग है लाइफ की अच्छा जब आप ऐसी आ, ऐसे मंचों पर जब जाते हैं तो कोई ना कोई पल ऐसा आता है जो आ, आपके लिए यादगार बन जाता है वो क्षण आप कभी नहीं भूलते हैं तो कोई ऐसा खूबसूरत पल जो आप हमसे साझा करना चाहें शेयर करना चाहें जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे मैम एक ही मंच पे मैंने आ, अपना काला दिन भी देखा है और अपना उदय उदित को उदय होते भी देखा है डॉक्टर बी आर ऑडिटोरियम में आ, मैं क्लास नाइन्थ में था Uh, कुछ रैली निकली थी और पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था खचाखच भरा था मेरा नाम लिया गया कि मुझे स्पीच देना था तो मैं मंच पर चढ़ा और वो भीड़ देख मैं कांप सा गया uh, मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया मैंने और कहीं ना कहीं मैं सहम सा गया मैं कुछ बोल ही नहीं पाया मैं पूरा ब्लैकआउट हो गया उसके बाद तीन चार मिनट में मंच पर खड़ा रहा और उतर गया मंच से तब से मुझे दिल में ये बात कहीं ना कहीं चुपती सी रहती थी कि आ, मैं इतने बड़े भीड़ के सामने इतना बड़ा आ, मैंने मेरे कहीं ना कहीं वो बेजती सी लगी थी मुझे तो बड़ा दुख लगा था मुझे लेकिन हाल ही में मैंने जैसे कहा कि कुलदीप राय शर्मा सर के सामने मैंने परफॉर्म किया था तो वो वही मंच था डिस्ट्रिक्ट लेवल में फ़र्स्ट आया था मैं और उससे ज़्यादा भीड़ के सामने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा लगा कि जिस मंच पर हारा था उसी मंच पर जीत कर आया हूँ और उसी मंच पर मैंने परचम लहराया तो ये बेस्ट फीलिंग है मेरे लिए अच्छा भाषा की वो कौन सी शैली है जो आ, आपने कहा जैसे आपने वीर रस और श्रृंगार रस बहुत सारे रसों में आपने लिखा है तो लोगों की तरफ से अगर हम जानना चाहें तो लोग आपकी भाषा की कौन सी शैली को ज़्यादा पसंद करते हैं मैम वीर रसी कविताएं बहुत ज़्यादा मुझे वीर रसी कविताएं ने मुझे बहुत प्रचलित किया मैंने सेलुलर जेल में वीर की कविता पढ़ी है मैंने जितनी भी जगह पर कविताएं पढ़ी है मैक्सिमम वो वीर की ही है 26 जनवरी पिछले साल 15 अगस्त में मैंने शायद आठ या नौ जगह पर परफॉर्म किया जितने भी बड़े मंच हैं कंटिन्यूसली मेरा परफॉर्मेंस था उस समय तो वीर की कविताएं बहुत चली और मैं हर साल हर पंद पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी को मैं एक नई वीर रस्सी कविताएं लिखता हूं तो वीर रस्सी कविता बहुत चाहते हैं लोग वीर रस्सी कविताएं सुनना कुछ चाहेंगी वीर रस्सी कविता जी मैम मैंने आज़ादी की लड़ाई पर कुछ ऐसे लिखा था कि मैं भारत हूँ वही भारत जहां झांसी की रानी की तलवार ने तांडव मचाया था और वही भारत जहां बापू की लाठी ने अंग्रेज़ों को गौरैया बनाकर उड़ाया था जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने वो काट कर फेंक दिए जो आंख उठे मुझ पर वो बुझ गए हमेशा के लिए मैं भारत हूँ जंजीरों में जकड़ी भारत माता चीख रही थी सदियों से भारत माँ को आज़ाद देखने हमने लहू मिला दी नदियों से छप्पन इंच के सीने में हमने लाखों गोलियां खाई है काला पानी की काल कोठरी में हमने रात बिताई है हमने फंदे को जयमाल समझ मौत से रचाई सगाई है इतनी संघर्षों के बाद हमने आज़ादी पाई है क्या बात है और उसी भारत माँ के आप जैसे सुपुत्र हैं जो उनका वंदन करते हैं उनका नमन करते हैं अच्छा आयुष जब आप मंच पर जाते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तारीफ़ करते हैं और आप बहुत छोटे हैं एक धन्यवाद और एक थैंक यू के अलावा शायद ही आप कुछ उनसे बोल पाते होंगे तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत कुछ आप बोलना चाहते हैं क्योंकि तारीफ़ पे लोगों की जो तारीफ़ें हैं ना वो कई तरीके की होती हैं बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे आप बहुत अच्छा लिखते हैं आप कैसे करते हैं नहीं करते हैं लेकिन उस समय ना आँखें नम हो जाती हैं और आ, दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहना हैं। चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते तो ऐसा कुछ है जो आप वहाँ पर भीड़ में जब आप होते हैं तो आप नहीं कह पाते मैम uh, सच 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 बताऊँ तो बड़ा दुख लगता है कि इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद धन्यवाद से बड़ा कोई शब्द ही नहीं मिला आज तक हुँ. तो uh, मैं थैंक यू के अलावा और कुछ कह भी नहीं सकता मैं छोटा हूँ मैं आशीर्वाद ले, ले, ले लेता हूँ कई बार मैं झुककर प्रणाम कर लेता हूँ मैं पैर छू लेता हूँ बड़े बड़े कवियों का और सच बताऊँ तो शब्द शब्दहीन हो जाता हूँ कुछ मिलता ही नहीं है बोलने को तो Uh, बस उनको आज थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट की वजह से आपके प्यार की वजह से आपके मोटिवेशन की वजह से कहीं ना कहीं रास्ता क्लियर होता जा रहा है और मंजिल दिख रही है और आगे बढ़ना चाहता हूँ ऐसे ही आपके जीवन में या जो आप कविताएँ लिखते हैं क्योंकि अक्सर माँ बाप का योगदान तो होता ही है लेकिन आज भी जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दो तो अगर इश, इस इस फील्ड की हम बात करें इस क्षेत्र की बात करें तो आपके माँ बाप का क्या रोल है मैम सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वो मुझे और Uh, हर परफॉर्मेंस से पहले मैं जब कविताएं लिखता हूं तो मैं मैम मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूं तो मम्मी बहुत ज़्यादा चाय बना कर देती है मुझे बहुत सपोर्ट करती है रात भर जागती है मेरे लिए कई बार कविताएं रात भर लिखना पड़ता है तो रात भर जागती है बहुत मोटिवेट करती है और भैया भी पापा भी मम्मी भी छोड़ने आते हैं मुझे कई बार परफॉर्मेंस के दिन और बस सपोर्ट मिलता है उनकी वजह से और कभी ऐसा नहीं हुआ मैम कि उन्होंने फ़ोर्स किया कि पढ़ाई पे ध्यान दो इस पर ध्यान मत दो उन्होंने दोनों तरफ में मुझे सपोर्ट किया कि पढ़ाई के साथ साथ इसे भी आगे बढ़ाओ क्योंकि इससे तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है कहीं ना कहीं और तुम इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो तो बहुत सपोर्ट मिलता है उनके उनका हुँ। भी हुँ। अच्छा आयुष जो आपने आ, सबसे पहले जो आपने कविता सुनाई मातृभाषा पे जी तो आपने उसी में उनका नमन किया तो क्या लगता है जो आजकल की जो सोसाइटी है हर माँ बाप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और हिंदी से ज़्यादा वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेज़ी बोले या इंग्लिश में बाल बोले मतलब वो सोसाइटी का एक एक ट्रेंड बन चुका है इंग्लिश आ, का माध्यम लेकर चलना तो इस विषय पे आप तो हिंदी कविताएं लिखते हैं और कहीं ना कहीं भारी भरकम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं कि अगर लोगों को उसके उन शब्दों की मीनिंग अगर समझना चाहे तो कहीं ना कहीं डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ेगा अगर उनकी हिंदी अच्छी नहीं है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम आजकल के समाज में लोग उसे ही नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं जो इंग्लिश बोलता है लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये भूलते से चले जा रहे हैं कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज तो इंग्लिश बस एक भाषा है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं है कि वो भाषा बुरी है लेकिन उसके साथ साथ हमें हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहित करना है हिंदी भाषा को भी पकड़ बनाए रखनी है हिंदी भाषा में तो दोनों भाषाओं को एक साथ लेकर चले ये एक रिश्ता बनेगा हमारा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में और कहीं ना कहीं हम जिंदगी नहीं गुजार सकते बिना इंग्लिश के भी और बिना हिंदी के भी तो दोनों भाषा को साथ लेकर चलें ऐसा ना हो कि एक वेस्टर्न लैंग्वेज हमारे हिंदी भाषा पर या हाँ हमारे लैंग्वेज पर हावी हो जाए और हमें साथ लेकर चलना है मैम कहीं ना कहीं एक लिब्रियम बना कर चलना है हमें आगे दोनों की अपनी अपनी जगह है मैं, लेकिन मैं। किसी और को एडॉप्ट हम करें उसकी जगह पर हम अपनी मातृभाषा को छोड़े ना जी। अब जाते जाते, जाते जो आपके युवा साथी हैं जो बहुत ही प्रतिभावान हैं क्योंकि कहते हैं ना द्वीपों में प्रतिभा की कमी नहीं है टैलेंट की कहीं कमी नहीं है तो उन युवाओं को अपने युवा साथियों को कविता के माध्यम क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके अंदर प्रतिभाएं तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं Uh, मैम सबसे पहले तो अंडमान निकोबार अदीप समूह खदान है uh, कला का तो हमें कहीं ना कहीं एक जो समय है अपना कला को दें अपना कंस्ट्रक्टिव वे में उसे इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ें और हम आजकल हम जैसे युवाओं का एक बहुत बुरी आदत सी बन गई है कि हम किसी पीछे बी, बीते कुछ समय को लेकर हम पकड़ बना लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हम उसमें कही न कहीं ना कहीं कंजर्व हो जाते हैं और वो हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से तो इतिहास को कहीं ना कहीं जो बुरी चीज़ है उसको भूलना चाहिए उससे सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए मैंने लिखा कुछ इस प्रकार था कि पसीने से मिटाकर इतिहास सारी हम पन्ने को फिर से कोरा कर दें और सोने की शाही से किस्मत रच के कल को अपने सुनहरा कर दें तो आयुष बहुत अच्छा संदेश दिया और आप ऐसे ही आगे लिखते रहें लोगों के बीच अपनी छवि बनाएँ और इसे बरकरार रखें आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको धन्यवाद मैम तो दर्शकों अभी आपने आयुष को सुना उनकी बहुत सारी रचनाएं सुनी और हमें बड़ा गर्व होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे द्वीप समूह में वो भी आजकल के समय में इतने प्रतिभावान और इतने टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं और इन्होंने जो युवाओं को संदेश दिया उसके बारे में केवल इतना ही हम कहेंगे कि विकल्प बहुत हैं मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए आज के लिए इतना ही नमस्कार